ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रिकैप ISC की। इसका पूरा नाम रीजनल कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बेटिंग प्राइवेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया है। इसकी स्थापना नवंबर 2006 में 14 एशियाई देशों के मध्य कॉन्ट्रैक्ट द्वारा की गई थी। एशिया में जहाजों में डकैती और सशस्त्र लूट के विरुद्ध एशियाई सहयोग को संवर्धित करने के लिए सरकारों के मध्य यह पहला क्षेत्रीय समझौता है। इसका दृष्टिकोण एशिया में जहाजों में डकैती और सशस्त्र लूट की रोकथाम के लिए सूचना का हब बनना है। इसका उद्देश्य जहाजों में डकैती और सशस्त्र लूट की रोकथाम में सूचना साझाकरण, क्षमता निर्माण और सहयोगी तालमेल के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग का संवर्धन करना है। इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की बात करें तो इसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, डेनमार्क, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, लाओस, म्यांमार, नीदरलैंड, नॉर्वे, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, यूके, यूएसए और वियतनाम। रिकैप ISC की मुख्य इकाई की बात करें तो सूचना साझाकरण केंद्र यानी ISC इसकी मुख्य इकाई है। रिकैप ISC की स्थापना 26 नवंबर 2006 को सिंगापुर में की गई थी। 2018 में शासकीय परिषद की बैठक में ISC को एशिया में जहाजों में डकैती और सशस्त्र लूट की रोकथाम के लिए उत्कृष्टता का केंद्र घोषित किया गया। आइए बात करते हैं क्षमता निर्माण कार्यशाला यानी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप की। रिकैप ISC एवं किसी एक सहयोगी सदस्य द्वारा प्रत्येक वर्ष में CBW का आयोजन किया जाता है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य एशिया में जहाजों में डकैती और सशस्त्र लूट की घटनाओं की नवीन जानकारी को साझा करना है। आइए अब डालते हैं एक नजर भारत और रिकैप ISC पर। 19-20 जून 2019 को भारतीय तटरक्षक बल और रिकैप ISC ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से 12वीं CBW का आयोजन किया था। इससे पहले भारत में CBW का आयोजन नवंबर 2011 में गोवा में तथा दिसंबर 2017 में नई दिल्ली में किया गया था।